नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये है पुदीना का पौधा और ये मेरे गार्डन में एकदम हरा भरा सा हो गया है, जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और ये गर्मियों में खूब काम आएगा फ्रेंड। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि आप इसे गमले में कैसे लगा सकते हैं और गमले में भी आप पुदीना का जो पौधा होता है उसको हरा भरा कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे में लगा हुआ है तो नीचे में तो काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं कि गमले में या छोटे पॉट में जो होते हैं बोलते हैं कि हमारा जो पुदीना का पौधा होता है वो ग्रोथ नहीं करता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो जब भी आप पुदीना का पौधा अगर आप बाज़ार से ला रहे हैं या किसी के घर से ला रहे हैं, तो उसमें देखिए कि जड़ होना चाहिए, जो उसका तना होता है ना उसमें जड़ होना ज़रूरी है, जो कि इस टाइप का जो आप लोग देख रहे हैं। तो अभी हम अपने ही पौधा से इसको कटिंग किए हैं, यहाँ से देखिए लगाने के लिए, ये देखिए। तो इसमें जड़ है, तो जड़ से जो हमारा पौधा होगा वो आसानी से लग जाएगा। और इसमें काफ़ी सारा जड़ है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना सारा है। तो इसको अभी हम कट किए हैं फ्रेंड लगाने के लिए, छोटा सा पॉट में लगाएंगे। 1 या 2 इंच के आप पॉट ले सकते हैं अपने पुदीने के जो पौधे होते हैं उसको लगाने के लिए। तो फ्रेंड, पुदीना का पौधा लगाने के लिए आप इसमें मिट्टी तैयार कर सकते हैं। इसमें है देखिए रेत है, और इसको ना थोड़ा बारिश में भींग गया था तो इसको हम 2 दिन से सुखा रहे हैं। तो इसमें बराबर मात्रा में इसमें रेत है फ्रेंड, और इसमें सूखा जो गोबर का खाद होता है वो है, और थोड़ा सा मतलब कोको बीट जो होता है वो है, जो कि हमारे पास थोड़ा सा ही था। तो ये हम सब मिलाए हैं, अब इसे हम पॉट में भरेंगे। ये आप लोग, ये छोटा सा पॉट है, आप चाहे तो इससे बड़ा पॉट भी ले सकते हैं अगर आपको बड़ा में लगाना है तो। तो ये छोटा सा मेरे पास ही पॉट था फ्रेंड, क्योंकि बड़ा पॉट मेरे पास खाली नहीं था इसलिए हम छोटा सा ही लिए हैं। अब इसमें वापस हम डालेंगे मिट्टी, जो कि सारा चीज़ इसमें मिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और मिट्टी थोड़ा कम है इसमें, थोड़ा सा रेत का जो मात्रा होता है थोड़ा ज़्यादा है, और सूखा जो गोबर का खाद होता है वो है फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें हम जितना भी मिट्टी था हम अपने पॉट में भर लिए हैं, और इसमें जो सूखा गोबर का खाद होता है वो थोड़ा ज़रूरी होता है हमारे जो पौधे होते हैं उसके ग्रोथ के लिए, और कोको बीट दोनों ही पौधा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कोको बीट जो होता है हमारे जो पौधे होते हैं उसमें नमी बना कर रखता है। तो ये थोड़ा भी हो तो आप डाल सकते हैं, और नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए हमारा जो है पॉट और इसमें मिट्टी रेडी है पौधा लगाने के लिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम इसे कट करेंगे जिसमें जड़ लगा हो यहाँ पे, इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, जिस तने में जड़ था उसको हम कट कर लिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, और जिसमें जड़ नहीं था उसको हम हटा दिए हैं, क्योंकि जड़ ना होना ज़रूरी है, उसी से हमारा जो पौधा है पुदीना का वो लगेगा एकदम आसानी से और ग्रोथ करेगा। तो ये देखिए सारे में जड़ है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पॉट में मिट्टी है उसको हम 2 से 3 इंच से गड्ढा करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड, गड्ढा कर लिए हैं, और इसमें हम इसको जड़ को दबाएंगे एकदम अच्छे से। इस तरीके से देखिए, तो जड़ को हम अंदर मिट्टी में दबा दिए हैं, और जितना भी हमारा पौधा है इसी तरह से किए हैं फ्रेंड। इस तरीके से दबाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हम अपने जितने भी कटिंग वाले पौधे को रखे थे लगाने के लिए वो सारे ही हम इसमें दबा दिए हैं। अब पुदीना के पौधा के नमी के लिए आप इसमें थोड़ा थोड़ा रोज़ पानी दे सकते हैं,
इससे क्या होगा कि जो हमारा पुदीना का पौधा है फ्रेंड, वो तेज़ी से बढ़ेगा, इसमें नमी रहेगा। तो और आप थोड़ा सा हल्की धूप जहाँ आता हो वहाँ आप रख सकते हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा हम हल्का सा पानी देंगे। आप इसमें दिन में दो बार पानी डाल सकते हैं, अभी गर्मी का मौसम है तो, क्योंकि तेज़ धूप बहुत तेज़ कर रहा है फ्रेंड। इसमें अभी थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। तो इसमें हम डालते हैं हल्का हल्का सा पानी, ये देखिए। और ये हमारा पुदीना का जो पौधा है वो लगकर रेडी हो गया है। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।